नमस्कार वेलकम बैक टू अर चैनल आप देख रहे हैं लक्ष्मी, मैं आपकी अपनी pharmacy, लक्ष्मी मैं एंड मास्टर ऑफ हमारे इस चैनल पर हम बात करते हैं फूड्स मेडिसिन डाइट प्लान और डिसीजेस के बारे में तो अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर विथ फैमिली आज के इस वीडियो में क्या है आज हम बात करने जा रहे हैं डाइट फॉर ग्रोइंग चिल्ड्रन जी हाँ मुझे तीन चार मॉम्स के मेल आए हैं दैट उनके बच्चे जो हैं वो अच्छे से खाना नहीं खाते जी हाँ उनका डाइट प्रॉपर नहीं है वेट गेन नहीं हो रहा है वीकनेस है वो बार बार बीमार पड़ते हैं तो वो सारी माएँ जिनके बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं या फिर जिनका जो वेट है वो उनकी एज के हिसाब से कम है और वो चाहती हैं कि उनका बच्चा रेगुलरली मील ले रेगुलरली खाना खाए और बीमार कम पड़े तो वो इस वीडियो को जरूर देखें आज का डाइट प्लान 10 साल से लेकर के 15 साल तक के बच्चों के लिए है जिनका वेट गेन नहीं हो रहा है प्लस जो बार बार बीमार पड़ रहे हैं तो देखते रहिए बनी रहिए हमारे साथ यहीं ऐसी वीडियो पर जब बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें मिल्क बहुत अच्छा लगता है लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते होते हैं उनको मिल्क पीने की इच्छा जो है वो खत्म हो जाती है धीरे धीरे दूध को देख के नाक बनाना मुँह बनाना भाग जाना इस तरह की हरकतें आपके बच्चे करने लगते हैं तो आपको क्या करना है उनमें ये हैबिट फॉर्म करनी है कि वो रेगुलर बेसिस पे मिल्क लें मिल्क प्रोटीन रिच होता है प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है कैल्शियम रिच होता है बच्चों के डेवलपमेंट में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनके बोन्स के डेवलपमेंट में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप अगर नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप बच्चे को डेली दो एग दे सकते हैं जी हाँ ये एग भी प्रोटीन और वाइटामिन ए रिच होते हैं और ये जो एग का प्रोटीन है वो लीन प्रोटीन होता है उसमें उतने ही अमीनो एसिड्स होते हैं जितने आपके शरीर में होते हैं तो आपको याद रखना है कि आपका बच्चा डेली कम से कम दो ग्लास मिल्क ज़रूर पिए जी हाँ आप एक ग्लास मॉर्निंग में दे सकते हैं और एक गिलास रात को इवनिंग में दे सकते हैं मॉर्निंग का जो आप मिल्क देते हैं उसमें आप ड्राई फ्रूट्स ऐड कीजिए कोशिश कीजिए कि बच्चा बिना किसी आ, पाउडर के आई वुड से पाउडर बिकॉज आजकल मार्केट में बहुत ही फ्लेवर्ड पाउडर मिल रहे हैं बोन बीटा है हॉर्लेक्स है ये सारी चीज़ें हैं पर इस पे भी हम एक वीडियो बनाएंगे हम बात करेंगे कि क्या ये सही में अच्छे हैं अगर आप इन सब के इंग्रेडिएंट्स को चेक करें तो इसमें शुगर की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा होती है बच्चे को बिना शुगर के आप मिल्क दीजिए क्योंकि मिल्क का अपना फ्लेवर होता है मिल्क का अपना टेस्ट होता है जो बच्चे के लिए वैसे ही अच्छा है उसमें शुगर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है शुगर एक हैबिट फॉर्मिंग हैबिट फॉर्मिंग थिंग है हैबिट फॉर्मिंग सब्सटेंस है और हर इंसान को डेली सिर्फ एक चम्मच चीनी ही ज़रूरी है इससे ज़्यादा चीनी लेने की उसे ज़रूरत नहीं है और बचपन में माएँ बच्चों को दूध पिलाने के लिए ढेर सारी शक्कर और चीनी और ये सारे पाउडर्स जो हैं वो देती हैं ये पाउडर्स आपको आपके बच्चे को नहीं देने हैं अवॉइड करने हैं तो आप क्या कर सकते हैं आप उनके लिए स्मूदीज बनाएं जी हाँ ये स्मूदीज ड्राई फ्रूट्स की हो सकती हैं अगर आपके बच्चे को मीठा पसंद है तो आप डेट्स यानी कि खजूर की स्मूदी बना सकते हैं रात को उन्हें सोख करके रख दीजिए और सुबह उन्हें आपके मिक्सर में मिल्क के साथ अच्छा एक स्मूदी बनाइए और बच्चे को दीजिए इसी तरह जो भी ड्राई फ्रूट्स आप देना चाहते हैं

रखना चाहिए तो इन तीनों चारों चीजों को आपको सोख करके रखना है क्वांटिटी कितनी हर चीज एक चम्मच एक चम्मच मतलब बड़ा चम्मच नहीं छोटा आपका टी स्पून जी हाँ आपको टी स्पून आपके सारे ड्राई फ्रूट्स रात को भिगो करके रखने हैं और सुबह मिल्क में स्मूदी बना करके देनी है आप चाहें तो फ्रूट्स की स्मूदी भी दे सकते हैं बच्चे को विथ मिल्क बनाना स्मूदी दे सकते हैं आप मैंगो स्मूदी दे सकते हैं एप्पल स्मूदी दे सकते हैं पपाया स्मूदी भी दे सकते हैं धीरे धीरे करके आपके बच्चे को हैबिट ज़रूर फॉर्म हो जाएगी रात को सोते वक्त जो आप बच्चे को मिल्क देंगे उसमें आप उसे टर्मरिक या हल्दी डाल करके दीजिए वो उस बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करेगा वेट गेन के इस प्रोसेस में हमें एक बात बहुत अच्छे से याद रखनी है और वो है कि आपके बच्चे की तबीयत खराब नहीं होनी चाहिए जी हाँ और अगर आपके बच्चे की इम्यूनिटी आपको अच्छी रखनी है तो आपको जिंक रिच फूड्स देने होंगे और जिंक ड्राई फ्रूट्स में होता है जैसा कि मैंने आपको बताया काजू में जिंक होता है टमाटर में जिंक होता है नॉनवेज जो चीज़ें होती हैं उसमें भी जिंक होता है सभी तरह की दालों में भी जिंक और प्रोटीन दोनों होता है तो आपको जिंक का जो अमाउंट है बच्चे को डेली बेसिस पे देने चाहिए इसके अलावा एक बहुत जरूरी बात है कि आपके बच्चे की तबीयत इस पूरे वेट गेन प्रोसेस में खराब नहीं होनी चाहिए क्योंकि जब भी बच्चा सिक होता है बीमार होता है वो सबसे पहले खाना खाना ही बंद करता है और ऐसा करने से बच्चे का जो रूटीन का मील प्लान था वो बिगड़ जाता है हमेशा याद रखें कि बच्चे को थोड़ा थोड़ा करके आपको हमेशा खिलाने की कोशिश करनी चाहिए और ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं जो भी सीजन में मिलने वाले फल फ्रूट्स हैं वो आप बच्चे को खिलाइए क्योंकि वो बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ाते हैं जैसे अभी ठंड के टाइम पर अंगूर बहुत अच्छे मिल रहे हैं आप चाहे तो अंगूर दे सकते हैं आप चाहे तो एप्पल्स दे सकते हैं ऑरेंजेस मिल रहे हैं ये आप बच्चे को दिला सकते हैं खिला सकते हैं इसके अलावा जब गर्मियाँ आती हैं तब फलों का राजा आम मिलता है आप बच्चे को मैंगो दीजिए क्योंकि मैंगो में बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं तरबूज़ खरबूज ये सारी चीज़ें आप उन्हें दे सकते हैं इसके साथ डेली बेसिस पे उन्हें दाल देना बिल्कुल भी मत भूलिए मिक्स दाले बनाइए सिंगल दालें बनवाइए क्योंकि दालों में बहुत सारा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होता है जो बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सबसे लास्ट में मैं कहूँगी कि बच्चों को जंक फूड मत दीजिए बच्चा अपने घर से ही सीखता है पिज़्ज़ा खाना बर्गर खाना पास्ता खाना ये सारी चीज़ें जो हैं उसे धीरे धीरे बैड हैबिट्स की तरफ ले जाती हैं जितनी भी बेक चीज़ें हैं कोशिश कीजिए कि आप अपने घर पर बनाएं चाहे वो केक हो या फिर नान खटाई या फिर बिस्किट्स क्रीम बिस्किट्स भी अवॉइड करने चाहिए क्योंकि क्रीम बिस्किट्स में क्रीम से ज़्यादा शुगर भरी होती है कभी आपने इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक की है जो बिस्किट्स आप आपके बच्चे को खाने के लिए दे रहे हैं उसमें मैदा और चीनी के अलावा कुछ नहीं होता जिससे उसे कोई भी हेल्थ बेनिफिट नहीं मिलने वाला हाँ इसका खामियाजा ज़रूर होगा कि बच्चे को अब भूख नहीं लगेगी बच्चा ढंग से खाना नहीं खाएगा कुछ बच्चों में इन बिस्किट्स की वजह से पेट में दर्द भी होता है तो ये रहा आज का सारा वीडियो आई होप आप सबको ये जानकारी अच्छी लगी होगी एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं इस वीडियो का सबसे पहली चीज आपको आपके बच्चे को डेली दो ग्लास मिल्क जरूर देना है सुबह के वक्त में जो आप मिल्क देंगे वो ड्राई फ्रूट से बना हुआ होना चाहिए यानी कि आप उसे स्मूदी दे सकते हैं फ्रूट्स या फिर ड्राई फ्रूट्स और जो नाइट में आप मिल्क देंगे उसे सोते वक्त वो टर्मरिक यानी कि हल्दी वाला दूध होना चाहिए दूसरी चीज जितने भी सीजनल फ्रूट्स हैं वो आपको आपके बच्चे को देने हैं क्योंकि वो जिंक रिच होते हैं और जिंक ही वो चीज़ है जो आपके बच्चे की इम्यूनिटी को बढ़ाता है तीसरी चीज आपके बच्चे को बाहर की चीजें नहीं देनी है होम मेड फूड दीजिए जितने भी जंक फूड्स हैं वो आपको अवॉइड करने हैं चौथी चीज आपका बच्चा हो सकता है कि पहले पहले शुरू में चीज़ों के लिए मना करे चिड़चिड़ाए पर ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप धीरे धीरे करके उसे मोटिवेट रे उसे सपोर्ट करें इवन मैं कहती हूँ, अगर आपको भी उसके साथ ये सारी चीजें ट्राई करनी पड़ेंगी सारा फूड लेना पड़े तो आप लीजिए क्योंकि बच्चा अपने घर से ही सीखता है हेल्दी हैबिट्स ये रहा आज का सारा वीडियो आई होप आप सबको ये जानकारी अच्छी लगी होगी इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली वीडियो को शेयर करना मत भूलिए अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं नमस्कार